दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में एक भीषण हादसा हो गया जहां 6 लोगों की जान चली गई। एक ही परिवार के 4 लोगों ने अपना दम तोड़ दिया जबकि 2 बड़े हादसों में कुल 13 लोगों की जान गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बलरामपुर के राजपुर में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो रात 8:30 बजे पानी से भरे डबरी में जा घुसी और इस हादसे में कुल 6 लोगों की जान चली गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। बताया ये जा रहा है कि एक ही परिवार के 4 लोगों ने अपना दम तोड़ा है तो वहीं मामला राजपुर थाना क्षेत्र के लडुआ गांव का है। वहीं इससे पहले रायगढ़ में भी बीती रात को उड़ीसा के 7 लोगों की मौत हो गई जिसमें 3 महिला और 4 पुरुष शामिल है। इन दोनों बड़े हादसों में कुल 13 लोगों की जान गई है। पुलिस और स्थानीय लोगों ने डबरी में डूबे स्कॉर्पियो को जेसीबी की मदद से बाहर निकाला तो वहीं इसके बाद राजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इनको ले जाया गया। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद स्कॉर्पियो के दरवाजे लॉक हो गए थे जिससे लोग बाहर नहीं निकल पाए। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सभी स्कॉर्पियो सवार कुसमी क्षेत्र के लरिमा से सूरजपुर जाने के लिए निकले हुए थे। वहीं घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दे दी गई है। छत्तीसगढ़ में लंपी वायरस का असर एक बार फिर से दिखाई दे रहा है जहां संक्रमित कई गौवंश को पशु चिकित्सा विभाग ने पुष्टि की है और इसके लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से लंपी वायरस का संक्रमण फैलते हुए दिखाई दे सकता है। भिलाई के सुपेला में लंपी वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसके फैलने की पुष्टि पशु चिकित्सा विभाग ने की है। हाल ही में कुछ दिन पहले भी इसके लिए लक्षण पाया गया था जहां अधिकारियों ने इसको लेकर टाल मटोल का रवैया अपनाया हुआ था और इससे कई गौवंश संक्रमण की पेट में भी आए हुए थे। बता रहे कि 5 दिन पहले सुपेला के कुछ जनप्रतिनिधियों ने इसकी जानकारी पशु चिकित्सा विभाग को भी दी थी लेकिन विभाग के अधिकारी इसको टाल रहे थे। लेकिन जब गाय और बछड़ों के शरीर में जख्मों से खून रिसने लगा तब जाकर टीम यहां पहुंची और टीम के साथ पशु चिकित्सा विभाग के उपसंचालक सुधीर प्रताप सिंह ने भी लंपी वायरस की पुष्टि की है। छत्तीसगढ़ में होने वाले बस्तर ओलंपिक के लिए लोगो और शुभंकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने जारी किया। युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ना मुख्य मकसद है इसका जहां 1.5 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन इसके लिए हुए हैं। 5 नवंबर से इस बस्तर ओलंपिक की शुरुआत होने जा रही है। बस्तर ओलंपिक के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोगो और मस्कट जारी किया है जहां पहाड़ी मैना और वन भैंसा बस्तर ओलंपिक के लिए प्रतीक चिन्ह और मस्कट यानी कि शुभंकर बनाए गए हैं। इसमें बस्तर संस्कृति और परंपराओं की झलक दिख रही है। बस्तर ओलंपिक के लिए बनाया गया लोगो वन्य जीव के संरक्षण को समर्पित है जहां 5 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक इस बस्तर ओलंपिक का आयोजन होने जा रहा है। बस्तर ओलंपिक 2024 के लिए 15 नवंबर को ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित होने जा रही हैं जिसमें बस्तर के अंतर्गत बस्तर जिले के सभी ब्लॉक 5 नवंबर से जोन स्तरीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे। जिन खिलाड़ियों ने बस्तर ओलंपिक 2024 के लिए अपना पंजीयन कराया हुआ है वे खिलाड़ी अपने विकास खंड की जोन स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल हो सकेंगे। जोन स्तरीय प्रतियोगिता विकासखंड स्तरीय प्रतियोगिता का पार्ट यहां पर होने जा रहा है। जोन स्तर पर एथलेटिक्स, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, रस्साकसी, कराटे और आर्चरी समेत तमाम तरह की प्रतियोगिताएं होने जा रही हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर, कोरबा और बिलासपुर में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर निर्मित होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति लागू हो गई है जहां अग्निवीरों, तृतीय लिंग और नक्सल पीड़ित के लिए स्पेशल पैकेज इसमें रखा जा रहा है। प्रदेश की नई औद्योगिक नीति बीते दिन से लागू हो चुकी है जहां 28 अक्टूबर को साय सरकार की कैबिनेट ने इसको मंजूरी दिया था। ये नीति 31 मार्च 2030 तक के लिए लागू की गई है। नई नीति में तय किया गया है कि सर्विस सेक्टर के उद्योग स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा। उद्योग आने के लिए कई वर्गों को खास छूट प्रदान किया जाएगा। वहीं नई नीति में तय किया गया है कि राज्य के कोरबा, बिलासपुर, रायपुर में सेंट्रल इंडिया का उन्नत इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तैयार किया जाएगा और इसके अंतर्गत इन तीनों शहरों में ट्रेन, एयर कनेक्टिविटी और सड़कों की सुविधाएं, पानी, बिजली और उद्योग लगाने के लिए जमीन मुहैया करवाने पर जोर दिया जाना है। वहीं मंत्री देवांगन ने यह भी बताया कि नई औद्योगिक नीति में राज्य के युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर 1000 से अधिक रोजगार के प्रोजेक्ट शुरू करने का प्राविधान है। 20 स्पोक पैकेज यूथ को दिया जाना है जबकि राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला उद्यमियों, सेवानिवृत्त, अग्निवीर सैनिक, भूतपूर्व सैनिक जिसमें पैरा मिलिट्री भी शामिल है, इनको जमीन, बिजली और पानी की सुविधाओं में अतिरिक्त छूट दिया जाएगा। नक्सल प्रभावित हो या फिर कमजोर वर्ग, तृतीय लिंग के उद्यमी को भी नई औद्योगिक पॉलिसी के अंतर्गत विशेष प्रोत्साहन के लिए पात्रता दिलाई जानी है।
चक्रवाती तूफान दाना के असर की वजह से छत्तीसगढ़ के बस्तर में दो दिनों तक बारिश को लेकर के संभावनाएं बनती दिख रही हैं, जहां 5 नवंबर के बाद रात का तापमान गिरने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के दाना महाचक्रवात की असर की वजह से अगले दो दिनों तक बस्तर संभाग के 2 स्थानों में हल्की बारिश होने की संभावना है। प्रदेश के बाकी जिलों में मौसम हालांकि शुष्क रहेगा। बता दें कि मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ में आने वाले 2 से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में गिरावट के कोई भी विशेष बदलाव आसार नहीं है। 5 नवंबर के बाद से रात के तापमान में 3 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। बता दें कि बस्तर संभाग में 1-2 स्थानों पर हल्की से लेकर के मध्यम स्तर की बारिश रिकॉर्ड की गई है। सबसे अधिक बीजापुर में 50 मिलीमीटर पानी बरसा है, तो वहीं राजनांदगांव सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस रहा। सबसे ठंडा अंबिकापुर, जहां न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। और अब खबर छत्तीसगढ़ बलौदाबाजार के दामाखेड़ा आश्रम से, जहां उपद्रवियों ने पटाखे और पत्थर फेंके, जिसमें महिला समेत कुल 16 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के दामाखेड़ा में बीती रात को एक बड़ा बवाल हो गया, जहां आश्रम में बम फेंके जाने के कारण क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। बलौदाबाजार के दामाखेड़ा स्थित कबीरपंथ के गुरु प्रकाश मुनि साहेब के आश्रम में शुक्रवार की रात दर्जन भर से ज्यादा उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया था, और इस दौरान उन्होंने जमकर पटाखे और बम साथ ही पत्थरबाजी भी की थी, जिससे क्षेत्र में तनाव का माहौल उत्पन्न हो गया था। घटना की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया है। उपद्रव मचाने के आरोप में पुलिस ने एक नाबालिग और एक महिला समेत कुल 16 लोगों की गिरफ्तारी की है। बता दें, इस दौरान दुर्गेश देवांगन और प्रताप साहू अन्य आरोपियों के साथ लाठी डंडा और बम पटाखों के साथ आश्रम में जबरदस्ती प्रवेश कर गए थे। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए अब अग्निवीर भर्ती रैली के लिए एडमिट कार्ड जारी हुआ है। दरअसल त्योहारी सीजन में युवाओं के लिए सेना भर्ती कार्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा 4 से लेकर 12 दिसंबर 2024 तक रायगढ़ स्टेडियम रायगढ़ में छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों के पुलिस उम्मीदवारों के लिए अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट या स्टोर कीपर और साथ ही अग्निवीर ट्रेड्समैन यानी 10वीं और 8वीं के लिए आयोजित किया जाएगा। सेना द्वारा 22 अप्रैल 2024 से 3 मई 2024 तक ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा यानी CEE का आयोजन किया गया था, जिसमें ऑनलाइन परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवार शारीरिक दक्षता सहित अन्य भर्ती प्रक्रियाओं में भाग ले सकेंगे। रैली में भाग लेने वाले योग्य अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in और उनके ईमेल पर भेजा गया है। भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव समेत तमाम सीनियर नेता डोर टू डोर प्रचार अभियान में हिस्सा लेंगे, जहां रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर रोजाना मीटिंग के जरिए जिम्मेदारी तय की जाएगी। वरिष्ठ नेता खुद इसकी मॉनिटरिंग करने को मजबूर हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के दंगल में अब कांग्रेस के सीनियर नेता भी मैदान में नजर आएंगे। अब तक दिवाली की वजह से प्रचार थोड़ी धीमी नजर आ रही थी, लेकिन अब एक बार फिर चुनावी प्रचार जोर पकड़ने जा रहा है। शहर कांग्रेस कमेटी ने वरिष्ठ नेताओं के प्रचार की जिम्मेदारियां लगभग तय कर दी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, वरिष्ठ नेता धनेन्द्र साहू, सत्यनारायण शर्मा और टीएस सिंहदेव भी कांग्रेस प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे। संगठन ने अलग अलग क्षेत्रों में छोटी सभाओं की तैयारियां की हैं। यहीं वार्डों में मतदाताओं से डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान में भी हिस्सा लेंगे। रायपुर में 3 जगहों पर देर रात भीषण आग लग गई, जहां पंडरी में ज्वेलरी शॉप जलकर खाक हो गया, तो वहीं 4 दुकानें भी इसकी चपेट में आई हैं, जबकि 2 घरों से यहां आग के हवाले यहां पर देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में दीपावली के दूसरे दिन बीती रात को शहर के 3 अलग अलग इलाकों में आग लग गई। घटना गोकुल नगर में हुई है, जहां दूसरी सप्रेस स्कूल के पास की है, जहां एक घर पर आग लगी थी। इसके अलावा पंडरी इलाके में एक ज्वेलरी शॉप में भी भीषण आग लग गई, जहां इन तीनों घटनाओं में किसी के हताहत होने की फिलहाल सूचना नहीं है। तो वहीं ज्वेलरी दुकान में भड़की आग ने बगल के एक फर्नीचर दुकान के अलावा 4 दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। दुकान में लकड़ी के सामानों के अलावा गत्ते रखे हुए थे, जिससे आग और तेजी से फैल गई। पुलिस दुकान के मालिकों से पूछताछ करके जो है नुकसान का आकलन करने में है। और अब अगली खबर रायपुर से आ रही है, जहां पर बीते 48 घंटों में शहर में 6ठा मर्डर हो गया। दरअसल रायपुर से बड़ी खबर है, जहां शुक्रवार रात धारदार हथियार से एक युवक की हत्या कर दी गई। लाश सड़क किनारे पड़ी मिली है। युवक के शरीर पर चोट के गंभीर निशान पाए गए हैं। शहर में 48 घंटे में यह 6ठा मर्डर है। मामला तिलदा नेवरा थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 के खमार कुआ का है। दरअसल पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में 2, खमारडी थाना क्षेत्र में 2, तिलदा नेवरा थाना क्षेत्र में 1 और तेलीबांधा थाना
क्षेत्र में एक युवक की हत्या कर दी गई है। ज्यादातर वारदातों को धारदार हथियार और चाकू से अंजाम दिया गया है। पुलिस सभी मामलों में आरोपितों को लेकर पूछताछ हिरासत में लेकर पूछताछ करने में बिजी है। इधर तिलदा नेवरा इलाके में बीती रात को अज्ञात लोगों ने अमन प्रकाश रात्रि पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था, जो कि पहली वारदात थी। दूसरी वारदात पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के भाटा गांव स्थित बीएसयूपी कॉलोनी में हुआ था, जहां जुए के मामले में ये वारदात हुआ। जबकि तीसरे पक्ष की अगर हम बात करें, तीसरे मामले की बात करें, तो यहां पर जो है खमाड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत अवंती विहार के पास एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। तो वही लगातार जो है मामलों में अब बढ़ते मामलों को लेकर के पुलिस भी अब सकते में आ गई है। और अब खबर रायपुर से, जहां सब स्टैंडर्ड दवाओं की वजह से आंखों की रोशनी जाने का बात जो है निकलकर सामने आ रहा है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा स्थित जिला अस्पताल में जो मोतियाबिंद ऑपरेशन में गड़बड़ी हुआ था, उन तमाम मामलों को लेकर, दरअसल जिसमें 16 मरीजों की आंखों में संक्रमित हो गया था और इनको दिखाई देना भी बंद हो गया था। इस मामले में अब एक्शन लेते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सर्जन डॉक्टर समेत कुल 3 कर्मचारियों को सस्पेंड किया है, जिनमें से 2 की सेवा समाप्ति भी कर दी गई है, लेकिन मरीजों को दी गई दवाओं की जाँच अब तक हुई है। इसके अलावा बात करें तो प्रदेश में इस तरह की घटना पहली बार नहीं हुई, बल्कि रमन कार्यकाल में भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। सभी मामलों में सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग ने ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर्स और उनकी टीम पर एक्शन लिया। अधिकतर केसों में मरीजों को दी जाने वाली सब स्टैंडर्ड दवाओं को संक्रमण का कारण बताया गया, जिसकी जाँच अब तक शुरू नहीं हो पाई है। वहीं अगर हम बात करें तो पहला केस जिला बालोद साल 2011 में जो है देखने को मिला था। इसके अलावा दूसरा केस दुर्ग जिले में साल 2012, तीसरा मामला महासमुंद से आया था जो कि साल 2012 में ही हुआ था, जबकि चौथा अगर हम मामले की बात करें तो ये राजनांदगांव में साल 2018 में हुआ था, जहां 40 मरीजों की आंखों में संक्रमण फैला था। इसके अलावा बात करें तो नेत्र विशेषज्ञों की टीम जल्द ही अपना रिपोर्ट सौंपने वाली है, जो कि दिल्ली से आई हुई है। और अब खबर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से, जहां 30 किलोमीटर दूर एक मुंडा गांव है, जहां एक अजीबोगरीब घटना की वजह से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही एक खेत में अचानक से जमीन धंसने से 3 फीट का गहरा गड्ढा बन गया था और इसके बाद फसल काटने गए किसानों को लगा कि ये मामूली गड्ढा है और कीचड़ की वजह से जमीन धंस गई है। लेकिन जब शनिवार को धान की फसल काटने गए गांव के लोग, उस वक्त हैरान हो गए जब ये जमीन का छोटा गड्ढा पहले 10 फीट और अब 15 फीट का गहरा हो गया है। ये नजारा देख करके ग्रामीणों में अब हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा भी हुए हैं और इस दौरान किसी ने इस रहस्यमय घटना के गड्ढे का वीडियो जो है बना लिया है, जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि खेत में अचानक से बने इस गड्ढे की गहराई और चौड़ाई लगातार बढ़ती जा रही है, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। सूरजपुर हत्याकांड के आरोपितों को जल्द ही सजा दिलाने की मांग को लेकर हेड कांस्टेबल तालिब शेख के घर पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल पहुंचे और इन्होंने कहा कि सीएम से इस बाबत चर्चा जरूर होगी। दरअसल छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में हेड कांस्टेबल तालिब शेख की पत्नी और बेटी की हत्या के आरोपितों को सजा को लेकर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल खुद मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे। बीते दिन स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल तालिब शेख और परिवारजनों से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने इस घटना को लेकर अपना दुख व्यक्त किया। 3 दिन पहले पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भी तालिब शेख और परिवारजनों से मुलाकात की थी। बलरामपुर में टाइगर के पगमार्क मिले हैं, जहां इलाके में इसकी वजह से दहशत का माहौल है। तो वहीं वन विभाग की रात में घरों से न निकलने की अपील ग्रामीणों के लिए दी जा रही है। बलरामपुर में बाघ के पगमार्क दिखाई दिए हैं, जिसके बाद से वन विभाग की मुस्तैदी हो गई है। ये पगमार्क रघुनाथ नगर वन परिक्षेत्र के बबनी गाँव के पिछले कई दिनों से देखे जा रहे हैं, जिसके बाद से इलाके में अब दहशत का माहौल है। वन विभाग के एक्सपर्ट्स फिलहाल इन फुटप्रिंटों की जाँच करने में बिजी है। तो वहीं साथ ही वन विभाग की ओर से ग्रामीणों को सतर्क रहने की अपील की गई है। रघुनाथ नगर डिप्टी रेंजर शिवनाथ ठाकुर ने बताया कि बबनी गांव समेत आसपास के गांवों में मुनादी करा दी गई है। वन विभाग ने लोगों को जंगल में न जाने और रात में घरों से बाहर न निकलने को लेकर अलर्ट जारी किया है। साथ ही बाघ के फोटो वीडियो लेने की कोशिश न करने की सलाह ग्रामीणों को दी गई है। और अब खबर कबीरधाम से, जहां आज रविवार को जो है पंडित धीरेन कृष्ण शास्त्री कबीरधाम में रहेंगे और धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। कवर्धा शहर में आज बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का धार्मिक कार्यक्रम आयोजन है, जिसको लेकर तैयारियां की गई हैं। जानकारी के अनुसार आज हेलीकॉप्टर से सुबह 8 बजे ग्राम रामहेपुर पहुंचेंगे, जहां बागेश्वर बालाजी मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे। कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद वे कवर्धा के पीजी कॉलेज ग्राउंड में धर्मसभा को संबोधित करेंगे,
जहां शाम 5 बजे कांकेर छत्तीसगढ़ के लिए धीरेन्द्र शास्त्री रवाना होंगे। कवर्धा में होने वाले उनके कार्यक्रम को लेकर लगभग तैयारी पूर्ण हो गई है। राम रामेपुर में आयोजित कार्यक्रम कवर्धा जबलपुर नेशनल हाईवे के किनारे होगा और ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी पुलिस ने विशेष रूट चार्ट और विशेष फोकस किया हुआ है।